रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी के चीन को लेकर दिए इस बयान पर अभी सियासी घमासान थमा नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लंबा बयान जारी कर सवालों की बौछार कर दी। मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे चीन को फायदा हो जाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। मनमोहन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने 20 शहीदों का हवाला दिया और कहा कि सरकार सैनिकों की कुर्बानी पर खरा उतरे। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और कर्नल बी संतोष बाबू और हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और भूगोलीय अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को घेरा था। चीन ने सीमा में घुसपैठ की है, उसके बाद ही तो स्टेटस को एंटी की बात आती है। उसी के बाद ही जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में चीनी आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी, उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और मौके की स्थिति, उसमें कंट्राडिक्शन है। और प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से सामने आकर उसको स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी बात वही कर सकता है जिसको कि बिल्कुल अज्ञानता हो, जो जिसका दिमाग अज्ञानता से भरा हो और जो बिल्कुल ज़मीन की हकीकत को समझ ना पा रहा हो। आप सुबह से शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनको उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे भैया, एक सामान्य सा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप सामान्य सा जो है शिष्टाचार हो, तो इस तरह की जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप में जो है वो आज तक देश के जो संस्कृति है और देश का जो सियासी इतिहास है उसमें ये नहीं देखा गया है। उनके ट्वीट पर ऐसी सियासी जंग छिड़ी कि बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें कूद पड़े। तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी, वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। एलएसी पर चीन से तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी, पॉलिटिकल पारा आसमान पर है। विपक्ष रोज सवालों का पुलिंदा खोल रहा है, रोज सरकार से सफाई मांग रहा है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।